सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर जाकिर मूसा ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है। इस रिकॉर्डिंग में जाकिर ने भारतीय मुसलमानों को कमजोर बताया है, साथ ही मुसलमानों से आतंक की लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा है। जाकिर ने ऑडियो में कहा, भारतीय मुसलमान बहुत बेशर्म हैं और वो जंगे बदर को भूल गए हैं। उसने कहा, वे लोग 313 थे और दुनिया पर राज किया, अब हम करोड़ों हैं लेकिन गुलाम हैं। मूसा ने भारतीय मुसलमानों पर टिप्पणी ही नहीं की बल्कि उन्हें आतंक की लड़ाई में शामिल होने का न्योता भी दिया। मूसा ने कहा कि गजवाए हिंद के लिए मुसलमानों को संगठन बनाने पड़ेंगे। मूसा यहीं नहीं रुका, उसके ऑडियो में गोरक्षा भी एक मुद्दा था। मूसा ने अपने ऑडियो में कहा, जब गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों पर अटैक किया जाता है तो मेरा खून खौल उठता है। बिजनौर घटना पर भी बोला मूसा। मूसा ने यूपी के बिजनौर में मुस्लिम महिला के साथ सामने आए रेप की घटना का भी अपने ऑडियो में जिक्र किया। मूसा ने कहा, भारतीय मुसलमान बहुत कमजोर हैं, जो अत्याचार और नाइंसाफी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।